दो और 4 हजार से बिजनेस किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है? मार्केट में कोई बिजनेस ऐसा है जो 2 हजार 4 हजार से स्टार्ट किया जा सके? हाँ दोस्तों है, मैं कोई जादू नहीं बता रहा हूँ आपको कि भाई मेरे पास वो छड़ी है, मैं आपको दूंगा तो 4 हजार से आप 4 लाख बनाएंगे, या 1 लाख लगाओ हर महीने का, 5 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ। मैं कोई जादू का छड़ी नहीं बता रहा हूँ, ना कुछ जादू की छड़ी दिखाऊंगा। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, जो मेरा बिजनेस है जीन्स का, उस बारे में एक आइडिया दे रहा हूँ, एक आइडिया सजेस्ट कर रहा हूँ। आप उसको देखिए, सोचिए, क्या वास्तव में ये 2 से 5 हजार में जीन्स का बिजनेस शुरू किया जा सकता है? तो मेरी नज़र से दोस्तों, हाँ, आज इस वीडियो में पूरा यही बताएंगे कि क्या सच में 2, 4 हजार, 5 हजार लगा के भी बिजनेस का व्यापार शुरू किया जा सकता है। हम एक छोटा सा जीन्स का बिजनेस क्या शुरू कर सकते हैं, वो भी 2 हजार, 4 हजार, 5 हजार से? तो ये वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, पूरा समझ में आएगा। और चैनल पे दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, और एक अनुरोध है आपसे, एक विनती है आपसे कि चैनल को शेयर जरूर कीजिए, मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और उन लोगों को कीजिए जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो जीन्स का बिजनेस करना चाहते हैं, और पूंजी नहीं है, थोड़ी कम लागत है, लेकिन बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो इसमें हाथ आजमाने का कोई बुरा नहीं है, तो ये बिजनेस कर सकते हैं। मेरी वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए, आपका वो चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, या जान पहचान वाला हो, उस तक जरूर ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि बिजनेस उसको करना है और जीन्स का बिजनेस करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप शेयर कीजिए। तो दोस्तों आइए पहले ये जीन्स देखते हैं कि कौन सा जीन्स कितने का है मार्केट में, और उसका वैल्यू तो आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं आपको होलसेल का रेट बता रहा हूँ, आप उसको मार्केट में कैसा सेल कर सकते हैं, कितने में सेल कर सकते हैं, क्या मार्जिन रख सकते हैं, और मैं भी कुछ टिप्स दे रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले ये जीन्स देखते हैं। जो सबसे पहले जीन्स आएगी, 3x1 कपड़ा, 100% कॉटन विथ लाइक्रा, राउंड वाला पॉकेट, बैग एम्ब्रॉयडरी बेसिक, स्प्रे, कलर ब्लू एंड डार्क ब्लू, दो सेट, दो पैटर्न्स, रेट ओनली 300, 300 रुपये, साइज 34 से 40। सेकेंड, ब्लैक कॉटन नेटिंग कपड़ा, राउंड वाला पॉकेट, मिनी पॉकेट प्रिंट, बेल्ट स्क्रीन, लाइक्रा विथ लाइक्रा कपड़ा, कॉटन नेटेड, बॉटम स्किनी फिट, पॉकेट प्रिंट एम्बोस, रेट ओनली
325, 3 by 1 फ्रंट फ्रंकी पैटर्न, ऑल अराउंड फ्रंट फ्रंकी पैटर्न स्प्रे देख सकते हैं। बैक बेसिक कलर चार्ट 3, ब्लैक ब्लू और डार्क ब्लू। रेट ओनली 360, 360। नंबर तीन पॉकेट स्क्रीन, राउंड हाला लाइक्रा 3 by 1 कपड़ा, 100% कॉटन, राउंड हाला फ्रंकी पैटर्न डैमेजिंग। फिटिंग स्लिम फिट स्प्रे। रेट 330। चौथा कॉटन नेटिंग लाइक्रा फ्रंट राउंड, बैग में पैटर्न्स, ब्रांड 3 needles, स्किनी फिट। रेट ओनली 400, कलर 3, ब्लू लाइट ब्लू और ब्लैक। दोस्तों ये जींस का होलसेल का रेट है। अब आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि 4-5 हज़ार में बिजनेस कैसे किया जा सकता है। दोस्तों आप चाहे जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं या कस्बों में रहते हैं, आप वहां सर्च कीजिए कि वहां रिटेलर कितनी दुकानें हैं। आपके 4 से 5 किलोमीटर के अंदर दायरे में कितनी रिटेल की दुकानें हैं जहां जीन्स बिकता है, जहां जीन्स लेगवियर सेल होता है। दोस्तों सर्च कीजिए आपकी एरिया में 4-5 किलोमीटर के अंदर में कम से कम 40 से 50 दुकानें ज़रूर रिटेलर की होंगी जहां जीन्स बिकती है। फिर उसमें से आप सर्च कीजिए कि कहां कहां मेरी पहचान है, किन किन लोगों से मेरी पहचान है या दोस्ती है। सर्च कर लिए, देख लिए, कुछ नहीं तो 10 से 15 लोग 20 लोग ऐसे मिलेंगे जहां से आपका कुछ ना कुछ कनेक्ट होएगा, क्योंकि आप जहाँ के रहने वाले हैं उसमें कुछ ना कुछ कनेक्टिंग ज़रूर होएगी उन रिटेलरों से, उन दुकानदारों से, उन बाज़ार में लगाने वाले रेहड़ियों से जो बाज़ार में लगाते हैं, ठेला गाड़ा जो भी लगाते हैं, उनसे कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है। दोस्तों ये जो मैं सैंपल दिखाया आपको रेट समझ में आ गया। रेट का जो पैक है आपने देखा 300 से लेके 400 तक है, मिनिमम आप 400 पकड़िए, 400 रेट के जीन्स आपको मिल रहे हैं। आप 10 पीस खरीदेंगे कितना होएगा, आपका हुआ 4,000। तो मैं लागत कितनी बताया था आपको, 2 से 4,000। भले वो 10 पीस आप अपनी कमर का, अपनी साइज का ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आप नए बिजनेस में आ रहे हैं तो आपको कुछ नुकसान हो। जींस देखे हैं आप, 10 पीस मंगाइए,
पार्सल मंगाइए, 10 पीस का पार्सल मंगाइए, हर पीस का, हर सैंपल का, हर पैटर्न का, एक एक दो दो चार चार पीस आप मंगाइए। फिर उन दुकानों में आप घूम के आइए, वो सैंपल दिखा के आइए और उनसे पूछिए कि भाई ये जीन्स आपके पास बिक सकती है, या तो आप एक दो दिन रखिए, कस्टमरों को दिखाइए क्या आपके पास चल सकती है। और दोस्तों, जहाँ से आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, आप 50 लोगों को दिखाए हैं, तो 50 में से कन्फर्म से बोलता हूँ 100% 15-20 दुकानदार तो आपको बोलेंगे कि हाँ, ये सैंपल का मेरे को रिस्पांस है और मुझे 2-4, 10 पीस, 15 पीस, 20 पीस इसमें से चाहिए। और चाहिए कैसे, आप इधर 300-350 का जो जीन्स खरीद रखे हैं, जो ले रहे हैं, सिंपली ले रहे हैं, इसमें आप पहले जो मार्जिन रख रहे हैं वो बहुत बड़ा मत रखिए, क्योंकि बिजनेस जो है अचानक से बम नहीं फोड़ देता है, अचानक से उसमें पैसे नहीं आ जाते हैं। बिजनेस का जो ग्रो है वो थोड़ा धीरे धीरे होता है। तो आप जो मार्जिन रख रहे हैं वो ईमानदारी से रखिए, अपने कस्टमर को ईमानदारी से वो बेनिफिट दीजिए जो आप पहली बार पहले टाइम अपना रिलेशन बना रहे हैं। अपना जो रिलेशन अपने कस्टमर से आप बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो जो मार्जिन है वो ईमानदारी से रखिए। आप 15-20 रुपए मार्जिन जीन्स में रखिए, और उन होलसेल हो, रिटेलर हो, उनको सैंपल दिखाइए, उनसे आर्डर लीजिए। हो गया 4,000 में काम। अब उनमें से 10-15 लोग तो ऐसे मिले होंगे जो आपको आर्डर देंगे और आपके पहचान में हैं, तो आप उनसे बोलेंगे कि भाई 10 पीस चाहिए, 10 पीस आपको चाहिए, तो 400 रुपये के हिसाब से 4,000 रुपये मुझे पैसा चाहिए। आपका पहचान का है, जींस आपको पसंद आया, आपका उसने मार्जिन भी देखा कि भाई इसमें मेरे को कितना मिलेगा, क्योंकि वो जहाँ बाहर से खरीद रहा है तो वो भी डायरेक्ट उसको मिल रहा है, कि एजेंट के थ्रू ले रहा है, कि डायरेक्ट कारखानों से ले रहा है, या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ले रहा है, ऐसा कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि जो रिटेलर है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से पीस नहीं ले सकता, जींस नहीं ले पाएगा, वो जो लेगा होलसेलर से लेगा, जो होलसेलर बैठा है, आप जबलपुर के हैं, एमपी के हैं या यूपी के हैं, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ, जहाँ वो कस्टमर बैठा वहाँ के वो होलसेलर से वो जींस लेगा, क्योंकि उसको 20 पीस में 5 पैटर्न चाहिए। तो यही अपना मार्जिन थोड़ा छोटा लगा के, 10-20 रुपये मार्जिन लगा के ये अपने रिटेलरों को आपको देना है। और हम जैसे मैन्युफैक्चरों से ये जीन्स लेकर, फिर आप देखिए 10 आदमियों से आपको 10-10 पीस का आर्डर मिला है, मतलब 4-4 हज़ार का आर्डर मिला है, 40,000 का आपको आर्डर मिला है, और पैसा उसमें से 5 लोगों ने दिया है, 20,000 आपके पास पैसा आ गया है। सामने वाले को ट्रांसफर कीजिए, सामने वाले को बोलिए भाई 20,000 का माल मेरे को दे, और जो बोले हैं कि भाई माल दिखाओ, वो जो माल आपने मंगाया है पहले उन कस्टमर को दिखा दीजिए कि भाई ये देखो माल आया है, उस दुकानदार का है,
उसने पैसा दिया, उसका माल आ गया, आप भी देख लो। और दावा है कि वो भी आपको पैसे देगा, आपसे ऑर्डर मंगाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट में अच्छा बुरा ज़रूर बताइए। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी ये आइडिया आपको अच्छी लगी हो, लेकिन एक बात है, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ तो करना। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों से पहले मैं विनती किया हूँ कि यह वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए वास्तव में जो कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ, जिन से रिलेटेड वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।